एवरीवन, आज मैं एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ परांठे की जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है, विच इज़ फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। और ये बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी हैं और सभी इसे मज़े से खाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैं ग्राइंडर में सबसे पहले डाल रही हूँ स्प्राउटेड मूंग दाल, और उसके बाद मैंने डाला है पुदीना। तो पुदीने को वॉश करके आपको डालना है। फिर मैंने यहाँ पे रफली चॉप जिंजर गार्लिक लिया है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा पानी। अब हम बंद कर देंगे इसकी लिड को, और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसे ग्राइंड। तो ये सारा मिक्सचर आपको ग्राइंड करना है अच्छे से, और अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पे ले लेंगे एक बड़ा सा कंटेनर, और उसके अंदर अब ग्रेट करेंगे टोफू को। तो टोफू का पहले आपको सारा पानी निकाल लेना है, उसके बाद उसे ग्रेट करना है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो हमने प्रिपेयर किया था मिक्सचर वो, और यहाँ पे डाल रही हूँ सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और चिली फ्लेक्स। हियर आई एम एडिंग वाइट सेसमे सीड्स। अब मैं ऐड कर रही हूँ गेहूँ का आटा, 1.5 कप लिया है। अब ऐड किया है कोडो मिलेट फ्लावर। अब ऐड कीजिए मेल्टेड बटर और वेजिटेबल ऑयल, यू कैन ऐड हियर। अब यह ऐड कर रही हूँ धनिया, क्यूमिन, हींग और यहाँ पे धनिया के सीड्स को। तो अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और एक अच्छा सा आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आटा लग गया है। अब तैयार करते हैं परांठा बनाना। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा पोर्शन आटे का, और इसे मैं अच्छे से हाथों से प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड अनियन को। तो ध्यान रखिए, जो आपका आटा है, जो आप आटा बना रहे हो, वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे चलाना है, फ्लैट करना है, और उसके बाद तवे पे डालना है। तो इस तरह से तवे पे डालिए और दोनों तरफ से घी लगा के सेक किया। अब हमारा पराठा रेडी हो गया है। तो निकाल लेते हैं इसे प्लेट पर और इंजॉय करते हैं विद बटर एंड अचार।